हरे कृष्ण। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित चवि नव नील नीरद सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। भगवान श्री राम का स्मरण करने मात्र से हमारी आत्मा तृप्त हो जाती है, तो उनकी स्तुति करने से मन को कितनी शांति मिलेगी। श्री राम स्तुति की ये रचना गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा की गई थी, जिसमें कुछ संकेत मिलते हैं भगवान श्री राम के दिव्य दर्शनों के, उनके रूप के। कुछ समय पूर्व AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी भगवान श्री राम की एक तस्वीर बनाई थी, जिसे हम सभी ने व्हाट्सएप पर देखा। और अभी आदि पुरुष मूवी भी रिलीज हो रही है, जिसमें लोग दो हिस्सों में बंट गए हैं कि श्री राम ऐसे दिखते हैं या नहीं। तो भगवान कैसे दिखते हैं ये हमें शास्त्रों से समझना चाहिए। जैसे श्री कृष्ण त्रिभंग मुद्रा में शिव जी का योगी रूप, तो वहीं श्री राम धनुषधारी वीर क्षत्रिय के रूप में, राजा राम वनवासी राम। तो अपने शास्त्रों में प्रदत्त प्रमाणों द्वारा हमें भगवान की छवि को अवश्य समझना चाहिए। इसलिए हम आज शास्त्रों से समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान कैसे दिखते हैं। यहाँ पर हम केवल श्री वाल्मीकि रामायण का प्रमाण ले रहे हैं, क्योंकि वही सर्वप्रथम श्री राम कथा का ग्रंथ है। वाल्मीकि रामायण में अनेक स्थानों पर भगवान के विषय में वर्णन आता है, आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम भगवान के रूप के विषय में जानेंगे। बालकांड में श्री नारद मुनि ने श्री वाल्मीकि जी को भगवान श्री राम के विषय में बताया है। बालकांड पहला सर्ग, सर्ग यानी अध्याय, तो बालकांड पहला सर्ग उसका 9वां और 10वां श्लोक। बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निबर्हणः विपुलांसो महाबाहु कंभु ग्रीवो महाहनुः महोरसको महेश्वासो गूढ़ जत्रुरिंदमः आजानुबाहु सुशिरा सुललाट सुविक्रमः। तो श्री नारद मुनि ने कहा, विपुलांसो यानी जिनके कंधे बड़े हैं, मोटे हैं, महाबाहु भुजाएं बड़ी हैं, कंबुग्रीवो यानी उनकी ग्रीवा गर्दन शंख के समान है, और महाहनु हनु यानी ठोड़ी, तो भगवान की जो ठोड़ी है वो मांसल है, भरी हुई है। आगे कि श्री राम महोरस्क हैं, उनका वक्षस्थल विशाल है, छाती चौड़ी है। महेश्वासो वो धनुष का वर्णन है। फिर गूढ़ जत्रु, जत्रु यानी ये जो हड्डी होती है, कॉलर बोन्स जिसे कहते हैं, वो मांसल है, भरी हुई है। आपने देखा होगा कि पतले लोगों की ये हड्डी स्पष्ट दिखती है, जबकि जिनका थोड़ा ढील डॉल सही होता है उनकी हड्डी ये इतनी स्पष्ट नहीं दिखती। तो श्री राम को गूढ़ जत्रु कहा गया। फिर अरिंदम यानी शत्रुओं का वध करने वाला। आजानु बाहु, श्री राम की जो बाहु हैं वे उनके घुटनों तक हैं। फिर सुशिरह, उनका सर मस्तक सुंदर है। सुललाट, उनका ललाट माथा भव्य है, विशाल है। सुविक्रमः, जिनकी चाल मनोहर है। ये संक्षिप्त वर्णन जो श्री नारद मुनि ने वाल्मीकि जी को बताया। अब रामायण में अलग अलग स्थानों पर भगवान श्री राम के विषय में बताया गया है, जहां उनके अंगों का वर्णन है, जो मिलीमीटर या सेंटीमीटर में नहीं, परं जिन्हें वाल्मीकि जी ने प्रकृति के चिन्हों और उदाहरणों से और उपमाओं से बताया है। हमारे पास रामायण है, परंतु एक एक श्लोक को पढ़ने में बहुत समय लगेगा, इसलिए हम उन श्लोकों में जो शब्द भगवान के संग के लिए प्रयुक्त किए गए उन्हें ही बताएंगे। तो पहला कि भगवान का रंग कैसा है। तो वर्ण यानी रंग की बात जब आती है, तो अयोध्या कांड के दूसरे सर्ग का 53वां श्लोक, जहां पर दशरथ जी से उनके मंत्री और अयोध्या के लोग भगवान के विषय में कह रहे हैं। फिर अयोध्या कांड का 83वें सर्ग का 8वां श्लोक, और इसी प्रकार किष्किंधा कांड के 38वें सर्ग में श्लोक 34 में वर्णन है रंग का, जहाँ ये तीन शब्द आते हैं रंग के लिए, इंदिवर मेघ श्याम और प्रबुद्ध नीलोत पल तुल्य दर्शन। जहाँ ये तीन शब्द आते हैं, पहला इंदिवर यानी नील कमल, फिर मेघ श्याम यानी बादलों के समान सांवले हैं, फिर प्रबुद्ध नीलोत पल तुल्य दर्शनम यानी खिले हुए नीलोत्पल नील कमल के समान। तो इन सब से हमें पता चलता है कि भगवान श्री राम का रंग नीले कमल, नीले बादल के समान सांवला है, श्यामल है। कई जगह पर भगवान श्री राम को हरे रंग का भी बताया गया, जैसे तोते जैसा हरा रंग, उसका वर्णन है आपको साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज की रामायण में ये मिल जाएगा। इसके अलावा श्री राम रक्षा स्तोत्र में ये डिस्क्रिप्शन मिलता है कि रामम दुर्वा दलम श्यामम, कि श्री राम दुर्वा दूब जैसे हरे रंग के हैं। ये कल्प भेद और युग भेद भी हो सकता है।
दूसरा, भगवान की आंखें कैसी है, इस विषय में तीन शब्द आते हैं, कमल पत्राक्ष, पद्म पत्राक्ष, कमल लोचन, जिनका अर्थ एक ही है कि कमल के फूल की पंखुड़ियों के समान भगवान के नेत्र हैं। उनकी आंखें लंबी होती हैं, बड़ी होती हैं, खिले हुए कमल के पंखुड़ी की तरह चौड़ी और लंबी। फिर दो शब्द आते हैं, ताम्राक्ष यानी तांबे जैसी लालिमा लिए हुए नेत्र, और लोहिताक्ष यानी हमारे रक्त की जो लालिमा होती है ऐसी लालिमा भगवान की आंखों के कोने में होती है। पूरी आंखें लाल नहीं होती, सिर्फ कोने लाल। फिर सुभ्रु यानी उनकी भौहें बड़ी हैं, सुंदर हैं, ऐसी हैं उनकी आंखें। तीसरा, नाक कैसी है, तो चारु नासिकम, परफेक्ट, उन्नत, उठी हुई, लंबी, सुंदर नाक। चौथा, दांत सुदच्छनाम अर्थात मोती के समान एक एक दांत। पांचवा, मुख शरद के चांद के समान जो शीतलता प्रदान करता है। छठा, होंठ कैसे हैं, बिंबोष्ठम, बिंब एक फल होता है लालिमा लिए हुए, ऐसे भगवान के होंठ हैं। सातवा, कान, कानों में सदैव मणि कुंडल रहते हैं भगवान के। आठवा, गला, तो गले को बताया गया कंबुग्रीव यानी भगवान का गला शंख के समान होता है, और श्री राम को गुड़ जत्रु कहा गया, जैसे हमने ऊपर बताया कि उनकी कॉलर जो बोन्स हैं वो मांसल है, भरी हुई है। आजकल हम देखते हैं कि मॉडल्स के जितनी ये हड्डी दिखे उतना ही उसे सुंदर कहते हैं, तो ये उनका स्टैंडर्ड है। लेकिन श्रीराम जिनसे करोड़ों कामदेव शर्माते हैं, उनकी हड्डी ढकी हुई है। आगे बढ़ते हैं। नौवां, भगवान की आवाज़ दुंदुभि स्वनिर्घोष अर्थात जो दुंदुभि होती है उसमें एकदम गंभीर आवाज़ आती है, आजकल की भाषा में हाई बेस, जिसे सुनकर सब हिल जाते हैं, एकदम धीर गंभीर भगवान की आवाज़ है। दसवां, बाहु, उसके लिए तीन शब्द बताए, आजानुबाहु, महाबाहु, भुजम परिघ संकाशम। आजानुबाहु यानी भगवान की बाहु घुटनों तक हैं, ऐसी भुजाएं बड़े बड़े महात्माओं, ऋषि मुनियों या भगवान की होती हैं। महाबाहु, भुजाएं बड़ी हैं, लंबी हैं, महाबाहु यानी बाइसेप्स बहुत बड़े हैं, जिन्हें देखकर ही सामने वाला समझ जाए कि इनसे उलझना नहीं है। फिर परिघ संकाशम, परिघ एक आयुध होता है जो लोहे का बना होता है और जिस पर कीलें लगी होती हैं, तो परिघ संकाशम का अर्थ है कि भगवान की भुजाएं बहुत शक्तिशाली हैं, मांसल हैं, भरी हुई हैं। ग्यारहवां, कंधे विपुलांशो अर्थात भगवान के कंधे बहुत विशाल हैं, तो कंधे विशाल, बाइसेप्स बड़े, भुजाएं लंबी। बारहवां, छाती वक्षस्थल महोरस्क अर्थात वक्षस्थल विशाल है, चौड़ा है। इन सब के साथ साथ सुंदरकांड में हनुमान जी सीता मैया को भगवान के विषय में जब बताते हैं उन्हें आश्वस्त करने के लिए कि मैं श्री राम का ही दूत हूँ, उस समय का वर्णन आता है सुंदरकांड के 35वें सर्ग अर्थात 35वें अध्याय के श्लोक संख्या 15 से 20 में, जिन्हें गूढ़ श्लोक कहते हैं, जिसमें बहुत विस्तृत वर्णन है भगवान का, जहाँ भुजा, कंधे, वक्षस्थल, आँखें और जो वर्णन हमने ऊपर दिया वो सब है, उसके अतिरिक्त कुछ विशेष है वो हम यहाँ बताएंगे। किंतु इससे पूर्व हमें समुद्र शास्त्र के विषय में बात करनी होगी, क्योंकि वहाँ पर हनुमान जी सीधा सीधा नहीं बताते, जैसा हमने ऊपर बताया कि ये ऐसा है नहीं, वो संकेत देते हैं जो समुद्र शास्त्र की भाषा है, यानी फेस रीडिंग जिसे कहते हैं, बॉडी रीडिंग। किसी भी व्यक्ति के शरीर की रचना उसके चेतना कॉन्शियसनेस के आधार पर होती है, जिन लक्षणों को देखकर उसके बारे में बताया जा सकता है। जैसे चाणक्य, वो सामने वाले व्यक्ति को देखकर उसके विषय में सब कुछ भांप लेते थे, जान जाते थे, सटीक। इसमें पहला है त्रिस्थिर, कि भगवान श्री राम के तीन अंग स्थिर हैं। कौन से तीन अंग? वक्षस्थल यानी छाती, कलाई और मुट्ठी स्थिर, मतलब उनकी मुट्ठी में अगर कुछ आ गया तो स्थिर, फिर कोई उसे हिला नहीं सकता। भगवान खड़े हैं, स्ट्रेट, उन्हें कोई हिला नहीं सकता। और कलाई यानी जब वो चाहेंगे तभी हिलेगी, अन्यथा नहीं। त्रिप्रलम्बश्च, तीन अंग लंबे हैं। कौन से तीन अंग? भौहें, भुजाएं और उनकी इंद्रियां। भगवान की भौहें हमने ऊपर देखा लंबी हैं, सुभ्रु। भुजाएं आजानो भुजाओ, घुटनों तक भुजाएं हैं यानी लंबी है, और भगवान की इंद्रिय भी लंबी है। त्रिसमह, तीन अंग समान है। कौन से तीन अंग? केशों के अग्रभाग, सब समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं, समान है। फिर अंडकोश और घुटने, ये भी समान है। तीन अंग उन्नत हैं, वो है वक्षस्थल, नाभि का अग्रभाग और उदर। फिर तीन भाग लालिमा लिए हैं। कौन से तीन भाग? आंखें, नाखून और हाथ और पांव के तलवे। तो तीन अंग लालिमा लिए हुए हैं। तीन विषयों में वे सदैव गंभीर हैं। कौन से हैं वो विषय?
वो है उनका स्वर, चाल और चरित्र। उनकी आवाज गंभीर है, वे गंभीरता से चलते हैं, उनका चरित्र गंभीर है। कहीं कहीं नाभि की गंभीरता कहा गया और कहीं कहीं स्वर, चाल और चरित्र बतलाया गया। त्रिवलीवान यानी भगवान के गले में तीन रेखाएं बनती हैं। कुछ टीकाकार कहते हैं कि केवल गले में, कुछ कहते हैं केवल उदर में, कुछ कहते हैं दोनों में, गले में और उदर दोनों में तीन रेखाएं पड़ती हैं। फिर चतुर्व्यंग, चार अंग छोटे हैं, कौन से? गला, पीठ और दोनों पिंडलियां। त्रिशीर्षवान कि भगवान के बालों में तीन भंवर पड़ते हैं। चतुष्कलह, चतुर्लेखा, उनके अंगूठे के नीचे और सर में अगर भगवान ऐसे करें तो चार लाइन पड़ती हैं। चतुष्किष्कह यानी चार हाथ भगवान का माप है, जिसे क्यूबिट कहते हैं, जो कोहनी से लेकर मध्यमा के अग्रभाग तक की लंबाई होती है, इसको हस्त या किष्क कहते हैं। तो चतुष्किष्क, सामान्यतः हमारी ऊंचाई हमारे हाथ की चार गुना होती है, कभी कहीं कहीं कुछ ज़्यादा या कम हो सकती है, किंतु अधिकतर ऐसा होता है। एक आदर्श शरीर में ये आदर्श हाइट होती है। एक बहुत प्रसिद्ध चित्र है लियोनार्डो डा विंची का, जिसमें उन्होंने विक्टोरियन मैन का वर्णन किया है। इसमें एक आदर्श शरीर के अनुपात को दर्शाया है सभी अंगों के, जिसमें उन्होंने भी एक आदर्श हाइट चार क्यूबिट यानी चार हाथ बताई है, जो एक आदर्श पुरुष के शरीर के अनुपात का लक्षण है। और वहीं इन श्लोकों में श्री राम का आदर्श रूप का जो वर्णन है वो इससे भी अधिक विस्तृत है। चतुस्समः, भगवान की चार चीजें यानी कपोल, गाल, भुजाएं, घुटने और जांघें सब समान हैं, बराबर है, ऐसा नहीं कि कहीं छोटा और कुछ बड़ा। फिर चतुर्दश समुद्वंद्वः कि शरीर में दो दो की संख्या में जो 14 युग्म है वो समान है, कौन से? दो भौहें, दो नथुने, दो आंखें, दो कान, दो होंठ, दो स्तन, दो कोहनियां, दो घुटने, दो जंघाएं, दो अंडकोश, कमर के दो भाग यानी कटी प्रदेश, फिर दो हाथ और दो पैर और दो नितंब। तो ये बेसिक सिमेट्री है जो विक्टोरियन मैन में है, वैसी ही बात है। फिर चतुर्दंष्टः, उनके चार कोनों की जो चार दाढ़े हैं वो शास्त्रीय लक्षणों से युक्त हैं, और शास्त्रीय लक्षण क्या है उसके लिए आपको सामुद्रिक शास्त्र पढ़ना होगा। फिर चतुर्गति, भगवान की चाल चार प्रकार की है, जैसे घर वालों के साथ, प्रियजनों के साथ और युद्ध में शत्रु के सामने अलग अलग स्थानों पर भगवान की चाल अलग अलग है, जो है शेर, बाघ, हाथी और सांड के समान। फिर महोष्ट हनु नासश्च, अर्थात उनके होंठ और ठोड़ी और नासिका प्रशस्त है, शार्प, विकसित है अच्छी तरह। फिर दश पद्म कि भगवान के 10 अंग कमल पुष्प की पंखुड़ी के समान है, कौन से 10 अंग? नेत्र, मुख, मुखमंडल, जिह्वा, ओंठ, तालु, वक्षस्थल अथवा स्तन, नख यानी नाखून, हाथ और पैर। तो ये थे भगवान श्री राम के शरीर के कुछ दिव्य लक्षण जो हनुमान जी ने सीता मैया को बताए थे। पूरी रामायण में तथा श्री नारद मुनि व श्री हनुमान जी द्वारा जहाँ जहाँ पर भी जो लक्षण बताए गए, हमने उन्हें आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। नेत्रों का, भुजाओं का, नासिका, ललाट, ठोड़ी, कंधे, कानों में कुंडल धारण करना, वक्षस्थल, हाथ पैर, उनके तलवे, इस प्रकार से और भी बहुत कुछ है जिसके लिए आप सुंदरकांड के 35वां सर्ग पढ़ सकते हैं। भगवान का वर्णन कौन कर सकता है? स्वयं सरस्वती और शेष भी जिनका वर्णन करने में अक्षम है, ऋषि मुनियों की बुद्धि, तत्व ज्ञानियों की बुद्धि जिन्हें नहीं सोच सकती, तो हम जैसे लोगों की बात क्या। हम भगवान की सुंदरता को इमेजिन नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पर भगवान की लीलाएं करते हुए कोई नाटक या किसी फिल्म में श्री राम का भगवान बनने का अभिनय, भूमिका कोई निभा सकता है, कोई भी निभा सकता है, लेकिन उनके लक्षण, उनके गुण, उनकी शक्ति, जिन्होंने पैर से अहिल्या का उद्धार कर दिया, वो एक सामान्य व्यक्ति में कैसे प्रकट होंगे। तो इधर उधर भगवान को देखने का प्रयास भी अच्छा है कि हम कम से कम सही दिशा में तो बढ़ रहे हैं कि भगवान के दर्शन करने हैं, किंतु दर्शन करने के लिए योग्यता भी चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज को हर स्थान पर भगवान दिखते थे क्योंकि वो भक्त थे, भक्ति के अंजन से सब ओर भगवान को देख लेते थे। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान को देखने का प्रयास मत करो, बल्कि ऐसी भक्ति करो कि स्वयं भगवान तुम्हें देखने आए, ऐसे भक्ति करो कि स्वयं श्री राम आए आपसे मिलने, जैसे शबरी के लिए भगवान को आना पड़ा था। हमने यहाँ पर शास्त्रों से कुछ साक्ष्य आपके समक्ष प्रस्तुत किए,
जिससे आपको भी भगवान के सुंदर दिव्य मनमोहक रूप से आकर्षण हो। आप सभी रामायण का अध्ययन करने हेतु प्रेरित हों और शास्त्रों में बताई उनकी छवि को अपने हृदय में धारण कर उनकी शुद्ध भक्ति करना प्रारंभ कर सकें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।